तो नमस्ते, स्वागत है आप सबका मंटू बबीता चैनल में। आशा करते होंगे आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घर परिवार में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, अभी सुबह के लगभग 7:30 बज रहे हैं और नाश्ता पानी हो गया और खाना हम लोग आज नहीं बनाएंगे। खाने पर हड़ताल है, और क्यों हड़ताल है आप लोगों को बताते हैं कि दोस्तों आज बहुत बड़ा फंक्शन है, म्यूजिक अवार्ड ऐसे कुछ फंक्शन है। क्या कि हमें जाना नहीं था, तो हमें ज़्यादा उसके बारे में डिटेल में पता नहीं, भूल गए, दिमाग से उतर गया है। जी एफ म्यूजिक अवार्ड हुआ, ऐसे कुछ है अवार्ड हुआ, तो सॉरी वो क्या कहा जाता है, उस सारे यूट्यूबर वहाँ पर इकट्ठा होंगे सारे। तो भैया भैया को वहाँ पर निमंत्रण मिला हुआ है एक्ट्रेस के तौर पे, तो वो लोग जाएंगे, तो साथ में हमारा तो जाने का वो कैंसिल था, कोई कन्फर्म नहीं था कि मैं भी जाऊँगी, क्योंकि गाड़ी नहीं थी। और जो है कैसे जाते, घर पे भी दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, तो हमारा पत्ता गुल था ये था कि मंटू नहीं जाएंगी, मंटू घर पे रहेंगी। तो हम सोचे चलो अब दिन भर वेट करना है भैया भाभी का, लेकिन दोस्तों खुशी समा नहीं रही है, क्योंकि पहली बार हम भैया भाभी के उस स्टूडियो पर जाएंगे जहाँ भैया भाभी काम करते हैं, और देखने को हमें मौका मिलेगा, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि फंक्शन जो है वहीं पर है, ये वहाँ पर बहुत बड़े बड़े, मतलब वहाँ पर सांसद आएंगे और गेस्ट चीफ गेस्ट के तौर पर सांसद जी आएंगे, और भैया भाभी भी चीफ के, मतलब सब लोग जा रहे हैं वहाँ पर, बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं सब लोग को वहाँ पर बुलाया गया है, और सब लोग जाएंगे, और सब लोगों के बीच में हमें भी ये फंक्शन देखने का मौका मिलेगा। तो बस कौशल भैया और रजनी भाभी की वजह से, नहीं तो हम पता नहीं कब पहुँचते, पहुँचते भी कि नहीं पहुँचते, हमें नहीं पता कुछ भी फ्यूचर के बारे में। बस ये था कि जो आज अगर वहाँ तक हम जा रहे हैं तो भैया भाभी की वजह से ही पहुँच पा रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम इतने खुश हैं दोस्तों, इतने खुश हैं कि क्या बताएं, बहुत ज़्यादा खुश हैं कि भैया भाभी के साथ कहीं किसी फंक्शन में जा रहे हैं। और इस वीडियो के जरिए हम भैया और भाभी को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, और मतलब क्या बताएं, बहुत खुश खुश हैं कि आज फाइनली हम उस स्टूडियो को देखने को पाएंगे जहाँ भैया भाभी काम करते हैं। और जो है बहुत अच्छे लोग हैं जिनका स्टूडियो, वो भी बहुत अच्छे हैं भैया लोग, तो वहाँ सब लोगों के बीच में हम भी जाने का मौका पाएंगे भैया भाभी के जरिए। तो दोस्तों जब कभी ऐसे सपना पूरा होता है ना, जहाँ हम जो चीज़ देखना चाहते हैं अगर देखने को मिल जाए तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बस समझ लीजिए कि अगर आप लोग ऐसा कोई चीज़ सपना देखे होंगे और वो पूरा हुआ होगा तो खुशी मिलती, वैसे ही खुशी मिल रही है कि हम भी इस फंक्शन में जाने का हमें भी मौका मिल रहा है। तो चलते हैं और वहाँ फंक्शन में देखते हैं कि क्या क्या होता है और कौन कौन लोग आते हैं। बस इतना बता दें कि उस फंक्शन में बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर आने वाले हैं, जैसे रजनी भाभी, कौशल भैया, सालू भाभी, कन्हैया भैया, और जो है मतलब इतने लोगों को निमंत्रण भेजा गया जो यूट्यूबर हैं बड़े बड़े, कि अब क्या ही बताएं, सबको वहाँ पर सबसे मिलने का मौका मिलेगा, देखने का मौका मिलेगा। तो आज तो हम आप लोगों से कहेंगे कि वीडियो को वॉच करना मत भूलिएगा आज, हम हमेशा मतलब जब भी मौका मिलेगा आप लोगों के बीच में अच्छे अच्छे जो है शॉर्ट्स वीडियो और लॉन्ग वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे, और आप लोगों को दिखाएंगे कि कौन कौन यूट्यूबर हैं और कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं, सब कुछ आप लोगों को ब्लॉगिंग के जरिए, शॉर्ट वीडियो के जरिए दिखाएंगे, और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आप लोग लगातार आज चैनल को वॉच करते रहिएगा और हम लोग खूब जम के मस्ती करेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों, क्या बताएं, कुछ कहा नहीं जा रहा है। और यही सब चीज़ें हैं, आप लोग बस यही प्यार दुलार और सपोर्ट बनाए रखिए, आशीर्वाद हमें देते रहिए कि हम भी कुछ आगे बन सके, बाकी भैया भाभी का तो आशीर्वाद है ही हमारे साथ, तो अगर आगे बढ़ना होगा तो बढ़ जाएंगे आप लोगों को प्यार दुलार आशीर्वाद से। तो दोस्तों अभी चलते हैं और सबसे पूछते हैं कि सब लोगों को कैसी खुशी मिल रही है, क्योंकि बहुत लोग घर में जाने वाले हैं। ये हमारी शबनम है जो कि बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट है, बताने की जरूरत नहीं है। तो अच्छा बताइए आपको वहाँ पर जाने की खुशी कैसी महसूस हो रही है? हम नहीं जाएंगे इसीलिए दुखी हो रहा है। दोस्तों झूठ बोली, भूख देखिए, हम नहीं जा रहे, दीदी बहना कहीं से बग, हाँ कहाँ है कपड़ा मांग, तोरे मैंने इतना कपड़ा एक लादी कर कपड़ा बना बा, झूठ बहुत बोल रहे थे झूठे। ए दीदी हम नहीं जाएं ना, ये कहा था, दोस्तों भन्ना फूट गया दीदी इसके हाथ में, हाथ जाएंगी 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 दोस्तों जाएंगे है। तो आज ये भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स मिलेंगे, वैसे यूट्यूबर नहीं है फिर भी इनको खुशी हो रही है। आओ गलियां ले आओ, इसे का आराम आराम दीदी से, आओ गलियां ले मंटू दीदी। हम बहुत खुश है और हमें भी बहुत खुशी मिल रही है, क्या ही बताएं।
और रेडी हो गई। और भाभी इधर देखिए, हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं कि आज आपके पास हैं, तो आज वो स्टूडियो हमें देखने को मिलेगा जहाँ पे आप काम करती हैं, और इतने अच्छे लोग बीच में, आज फाइनली आप ही के साथ वहाँ पे जाने का मौका मिल रहा है। तो हम पूरे ऑडियंस के सामने आपसे दिल से धन्यवाद करते हैं और आपका पैर छूते हैं। हम सच में बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। और चलिए भैया मिलते हैं। भैया है जो सुबह से सबको रेडी कराने में लगे हैं, सब लोग इनकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं। दोस्तों हम कल जिम्मेदारी उठाए, सवेर सवेर जाना जल्दी से आपको, ठीक है? कौन सवेर जल्दी बोलिए, छूट जाएगा और छूट जाएगा, सीटी मत मारो बाबू, कॉपीराइट आ जाएगा। भैया अनार ऐसे खा रहे जैसे लग रहा है गुटखा खा रहे हो। सभी हंसी आ रही है। और दोस्तों भैया भाभी हमें अपने कर्म भूमि पे लेके जा रहे हैं। बन गया हुआ अस्टूडिया, बन गया गद्दारी गोलिया गना वाला, गद्दारी वाला सब फाइनल एक्सपर्ट हो गया। चलिए तब तो दिखाएं झलक। हाँ लाइए लैपटॉप लेके आ सिमरन डन से। तो दोस्तों सबके सामने एक बार भैया को भी दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच भैया जी। और डबा केक के दिए हमने तो मिले बारी ने और के बस एकदम एकदम हम भले मिले लेकिन मेन हमने बारी। हम यही चाहते हैं अपने ही घर आए वो, ताकि हम लोग बढ़िया से सजा के रखे। बस ये लोग जल्दी से पहुंचे तब ना। अगर जल्दी से पहुंचने वाला कोई अवार्ड मिलता तो पक्का आपको नहीं मिलता। भले 4 बजे उठे तब। हाँ वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, कुछ भी अगर गलत मुंह से निकला हो तो उसको माफ करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।